नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। और ये चल रही है दोस्तों ड्रुपल कॉमर्स ट्यूटोरियल सीरीज़, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में प्रोडक्ट अपने ऐड किए हैं और उनका पेमेंट गेटवे ऑथराइज डॉट नेट भी पेमेंट गेटवे इन किया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों एक और पेमेंट गेटवे के बारे में बात करेंगे, जो कि पेपॉल है। जो हमारा मॉड्यूल है हमारे पास कॉमर्स पेपॉल, इसकी मदद से हम ईज़िली अपने वेबसाइट्स पे पेपाल के थ्रू ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको एक पास एक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप अकाउंट अपना अपने अकाउंट टाइप के हिसाब से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप डेवलपमेंट मोड पे कर रहे हैं तो आप डब सेट स्टैंड बॉक्स का रखिएगा, और अगर आप लाइव का है तो आप लाइव की क्रेडेंशियल रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड्यूल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, और इससे पहले कि यूज़ करते हैं इसको इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनेबल कर लेते हैं पेपॉल। ठीक है, पेपॉल हमें ये इनेबल करना पड़ेगा, और डब्ल्यू पी एस है तो हम लोग डब्ल्यू पी एस यूज़ करेंगे। ठीक है, इनेबल करने के बाद दोस्तों जैसे मैंने जो पेपाल का जो अकाउंट बनाया हुआ है डब्ल्यू पी एस में, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन मैं करूँगा। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे स्टोर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, पेमेंट मेथड के अंदर। ठीक है, पेमेंट मेथड में जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास पेपाल डब्ल्यू पी एस, ठीक है, डब्ल्यू पी एस का ऑप्शन आएगा, इसको आप इनेबल करेंगे। ठीक है, कन्फर्म करेंगे, उसके बाद एडिट पर क्लिक करेंगे, और एक रूल है। ठीक है, पेमेंट मेथड का ये रूल बना हुआ है, इसको हम लोग एडिट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि मेरे पास मेरा सेटअप है, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल रखी है। ठीक है, आप अपनी ईमेल आईडी यूज़ कीजिए यहाँ पर अपने अकाउंट बना के। ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट करेंसी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से USD। ठीक है, उसके बाद अकाउंट का जो सर्वर है वो किस टाइप का, स्टैंड बॉक्स है या लाइव का है अकाउंट। ठीक है, ये इसके थ्रू हो जाएगा। उसके बाद जितना भी है सब बाय डिफ़ॉल्ट है, उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, अब पेमेंट करके देखते हैं कि हमारा पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो उससे पहले ऐड टू कार्ट करते हैं, और ऐड टू कार्ट किया हमने, और चेकआउट करते हैं, टेस्ट अकाउंट भरते हैं। ठीक है, ठीक है, बनने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, क्रेडिट कार्ड का और पेपॉल का। इससे पहले हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड किया था, अभी हम लोगों ने पेपॉल पेमेंट मेथड गेट किया हुआ है। ठीक है, पेपॉल और कुछ डिज़ाइनिंग इशू है, ये हम लोग सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और पेपॉल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद ये क्या कर देगा, रिडायरेक्ट कर देगा वेबसाइट में। ठीक है, अभी कुछ इशू है, हम लोग दूसरे यूज़र से करके देखते हैं। ठीक है, एक बार क्रेडेंशियल देख लेते हैं। कभी कभी ये इंटरनेट एरर आती है दोस्तों। ठीक है, एक बार इस अकाउंट से चेक करते हैं, अभी हमारे प्रोडक्ट को भी हमें परमिशन देनी पड़ेगी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कॉपी करते हैं, ऐड टू कार्ट, इशू है ये इंटरनल सर्वर एरर है। ठीक है, एक बार फिर ट्राई करते हैं,
कार्ड चेकआउट तो देखो ये डायरेक्ट हो गया दोस्तों अपने अकाउंट पे। आप यहाँ पर आप अपना पेपाल का जो भी अकाउंट है वो डालेंगे और पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो था कि कैसे हम अपनी वेबसाइट पे कैसे अपनी वेबसाइट पे हम अपना पेमेंट गेटवे पेपाल पेमेंट गेटवे इनेबल करें, ठीक है दोस्तों। तो ये दो पेमेंट गेटवे हमारे प्रोजेक्ट के लिए सफिशिएंट हैं, और अगर पेमेंट कोई गेटवे है तो इसी तरीके से होता है दोस्तों। बस आपको मॉड्यूल इंस्टॉल करना है और यहाँ की उसकी क्रेडेंशियल सेव करनी है, और सिंपल सा बस। उसके बाद आपका पेमेंट गेटवे इन्हें अपना एक्टिवेट हो जाएगा, और क्रेडेंशियल आपके सही होने चाहिए दोस्तों। अगर क्रेडेंशियल नहीं सही है तो वो इशू करेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।